alliteration. What is alliteration? The repetition of initial consonant sounds in words such as rough and ready, and often used as a emphasizing. Okay, alliteration जो है वो जैसे कोई भी पोइट्री में कोई सेंटेंस में repetition of consonant sounds की repetition को हम alliteration कहते हैं. जैसे कहा जहाँ पे भी consonant words आएंगे और repetition होगी उसको हम alliteration कहेंगे. इसको क्या नाम है, हम एज ए इम्फेसाइज के लिए भी यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आवर गैंग पैसेस द फायर लाइक एन ओल्ड मिथ. तो ये जो पैसेस है ये स्टार्ट विथ पी कॉन्सोनेंट एंड पायर स्टार्ट विथ पी कॉन्सोनेंट, तो ये रिपीटेशन है, इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं. क्लासिक एग्जांपल है शी सेल्स बाय सी शोर. तो ये सी एस एस जो है जितने भी हैं इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं. ठीक है, एलिट्रेशन इज़ मीन टू बी मोर देन अ टंग ट्विस्टर. जो टंग ट्विस्टर होते हैं जैसे पीटर पीपर पिक अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, तो फिर इसी तरह जो पी पी वाले हैं ना, या फिर रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं. ब्लड, अ पोइम इन वर्स दैट टेल्स अ स्टोरी. A poem that tells a story of adventure or of a hero that is suitable for singing and that usually has a stanza of four lines with rhyme on a second and fourth line. अच्छा, ballad उसे कहते हैं जिसमें जो है उस poem में जो author है वो कोई story बताना चाह रहा हो, या story हो या adventure, मतलब कोई story बताना चाह रहा हो. वो usually four lines की होती है, उसका जो stanza एक पूरा जो paragraph होता है वो four lines का होता है, और second और fourth line में एक ना rhythm बन रहा होता है. ठीक है, couplet होता है two lines of verses the same length that usually rhyme. okay, couplet उसे कहते हैं जिसमें दो lines of stanza की same length होती है. जैसे ये है ना, true wit is nature to advantage dressed what often was thought but never so well expressed. तो तकरीबन जो इसकी जो लेंथ है वो सेम है और दो लाइन्स है, इसको हम कपलेट बोलेंगे. एंड राइम, एंड राइम इज डिफाइंड एज व्हेन अ साउंड द सेम. एन एग्जांपल, लिटिल बॉय ब्लू कम ब्लो योर हॉर्न. अच्छा, एंड राइम उसे कहते हैं जब आपका जो सेंटेंस का लास्ट वाला वर्ड हो वो साउंड सेम करे सेकंड लाइन के लास्ट वाले वर्ड से. जैसे अब देखो, कॉर्न ग्रो रो, तो ये जो तीन वर्ड्स हैं वो साउंड सेम कर रहे हैं, तो उसको हम एंड राइम कहते हैं. देन वी हैव हाइपरबोला. अच्छा, यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके, हाइपरबोला. एक्सेलरेशन और ओवर ओनली हेड वन बैक. अच्छा, कोई भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के एग्जेजरेट करके बता देना, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के. जैसे इट्स बिन 10,000 ईयर्स सिंस ही और शी हैज सीन एनीवन. अब 10,000 ईयर्स कितना बढ़ा चढ़ा के बताया कि 10,000 ईयर्स तो कोई ज़िंदा भी नहीं रह सकता. तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ऑथर ने कुछ डिस्क्राइब किया हो उसको हम हाइपरबोला कहते हैं. हाइकू, अ फॉर्म ऑफ जैपनीज पोइट्री एंड ट्राई ट्रेडिशनली बीन नेचर. द फर्स्ट लाइन हैव फाइव सिलेबस, द सेकंड लाइन हैज सेवन सिलेबस एंड थर्ड हैज फाइव सिलेबस. अच्छा, हाइकू एक जैपनीज पोइट्री पैटर्न है जिसमें ये होता है कि आपकी फर्स्ट लाइन में फाइव सिलेबस होते हैं, सेकंड में सेवन सिलेबस होते हैं और थर्ड में दोबारा फाइव सिलेबस होते हैं, और ऐसे ये रिपीट करता जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल, बिहाइंड मी द मून. अब बिहाइंड के दो सिलेबस हैं, लाइक बी और हाइंड. लाइक ये बी है, अलग वर्ड है, और हाइंड अलग वर्ड है. तो बी एक वर्ड, हाइंड दूसरा वर्ड, मी थर्ड, दी फोर्थ, मून फिफ्थ. कितने इसमें सिलेबस हो गए? फाइव. वन टू थ्री फोर फाइव. लाइक फर्स्ट लाइन में फाइव सिलेबस होंगे, अब सेकंड में सेवन होने चाहिए.
अब ये ब्रश शेडोज ऑफ पाइन ट्री, अब ब्रशेस ब्रश एक है सिलेबस, ई एस एक सिलेबस है, शेड एक सिलेबस है, ओज एक सिलेबस है, फिर ऑफ है, फिर पाइन है, फिर ट्री है। इस तरह ये बन गए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिलेबस का है। लास्ट 5 होना चाहिए, तो लाइट एक सिलेबस, ली दूसरा, ऑन थर्ड, द फोर्थ, फ्लोर फिफ्थ। तो फर्स्ट में 5 सिलेबस, सेकंड में 3rd सिलेबस और थर्ड में 5 सिलेबस। इस तरह ये हाइकू होता है। समझ में आया? इसको बस ना ऐसे तोड़ तोड़ के देखना होता है। सेकेंड हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जस्ट लुक एट द मून, जस्ट एक वर्ड है, लुक एक है, एट एक है, दी भी एक है, मून भी एक है। तो ये 5 1 2 3 4 5, ये 7 होने चाहिए। 1 2 3 4, अब इसमें 3 सिलेबस है, ट्रस्ट वर्थ दी, ट्रस्ट वर्थ दी। तो इसके 3 हो गए और ये 4 7। गार्डिंग अस एट नाइट, गार्डिंग के 2 हैं, 1 एंड 2 गार्ड और इंग दूसरा, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। इस तरह ये हाइकू बनता है। मूविंग फॉरवर्ड, लिरिक, अ लिरिक पोइम और लिरिकल पोइम इन लिटरेचर इज अ पोइम इन विच द पोइट आइदर एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड इमोशंस, द पोइट ऑल्सो प्रेजेंट अ करेक्टर इन द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस हिज मोशंस। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिरिक एंड पोइट्री वेयर अ पीस ऑफ पोइट्री विल बी रिटन इन लिरिक फॉर्म। लिरिक इज जस्ट द फीलिंग्स एंड द इमोशंस ऑफ द पोइट, के वो कोई फर्स्ट पर्सन जैसे आई को इंडिकेट करते हुए अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल द पेन ऑफ स्लीप एक पोइम है, और इसमें जो उसने बताया हुआ है, ई आर ई ऑन माई बेड माई लिम्स आई ले, आई हैथ नॉट बिन माई यूज टू प्रे। तो इसने आई माई आई ये सब कुछ यूज़ किया हुआ है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये लिरिक होता है। दीज आर द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ फेमस लिरिक पोइम ऑफ सैमुअल टेलर कॉलेज। दिस पोइम एज अ लिटिल सजेस्ट इज अबाउट द पेन दैट द पोइट हैज़ टू गो थ्रू व्हेन स्लीपिंग। तो उसने अपनी एक्सप्रेस बताया, फीलिंग एक्सप्रेस की हैं जब वो सोता है तो उसको पेन होता है। He explains how he loves to go to sleep as his eyes become quite humble before sleeping. These first lines have a perfect metrical pattern and poem rhyme scheme to make it an excellent lyric poem. So ये सब होता है कि lyrics उसे कहते हैं जिसमें poet जो है अपनी feelings बता रहा हो first person में। Onomatopoeia. Onomatopoeia is defined as a word which imitates the natural sound of a thing. It creates a sound effect that mimics the thing described, making the description more expressive and interesting. अच्छा, onomatopoeia उसे कहते हैं जिसमें ना हम कुछ ऐसे words use करते हैं कि उसकी meaning और ज़्यादा enhance हो जाती है। जैसे द गशिंग स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट इज मोर मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन देन जस्ट सेइंग द, इसमें द आएगा, द स्ट्रीम फॉलोज इन द फॉरेस्ट। अब इधर गशिंग का मतलब है लहराते हुए दरिया जो है बह रहा था जंगल में, और दूसरा जो है दरिया बह रहा था जंगल में, तो कितना एक इम्फेसाइज आ गया गशिंग की वजह से। तो इस तरह के वर्ड्स को जैसे लाइक गशिंग हो गया, या अभी आप नीचे भी देखेंगे बजिंग, स्प्लैश, थम, रस्लिंग, इन सब वर्ड्स को हम ओनोटोपिया कहते हैं, जो एक इम्फेसाइज या फिर एक इनहेंस प्रोड्यूस कर देता है उस सेंटेंस की मीनिंग में। इन एडिशन टू द साउंड्स दे रिप्रेजेंट मैनी
onomatopoeic word have developed meaning of their own. For example, the word whisper not only represents the whispering or brief sound of people talking quietly, but also describes the action of people talking quietly. अच्छा, जैसे whisper जो है एक मामूली सा एक आम और कॉमन वर्ड है, ठीक है. इसको कहते हैं कि आप जो है थोड़ा विस्पर करके बोल रहे हैं, लाइक आहिस्ता आहिस्ता करके बोल रहे हैं. इसकी एक मीनिंग ये भी इसका एक मीनिंग ये भी निकलती है कि वो एक एक्शन पर्सन कर रहा है आहिस्ता बोलने का, तो एक डिफरेंस ऑफ मीनिंग्स भी निकालता है. जैसे द बजिंग बी फ्लू अवे टू यू, ठीक है. अब बजिंग मतलब जो मक्खियाँ बी भी करती हैं ना, उनकी जो एक साउंड होता है बजिंग, उसे कहते हैं, ठीक है. तो जो मक्खियाँ हैं वो बजिंग करते हुए उड़ रही हैं, ठीक है. तो इस तरह के वर्ड्स, स्प्लैश मतलब छिंटा मारना, थम मतलब थम, और रेसलिंग मतलब जो वो लग जाता है, जंग लग जाता है, रेसलिंग उसको कहते हैं. तो यहाँ तक समझ में आया? लाइक ऐसे वर्ड्स जो क्या नाम है उस सेंटेंस को और उस सेंटेंस की मीनिंग को और एनहेंस करने के लिए दिए गए हों, उसको हम ऑनोटोपिया कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव रिफ्रेन. रिफ्रेन इज अ वर्ड, अ लाइन, अ सेट और अ ग्रुप ऑफ लाइंस दैट अपीयर्स एट द एंड ऑफ स्टेंजा or appears where a poem divides into different sections. It originates in France where it is popular as refrained. Okay, जो refrain है वो या तो group of words होगा या set होगी, lines होगी जो end of stanza में आएंगी और जहाँ पर sections divide होते हैं. अभी मैं example दिखाती हूँ. However, sometimes this repetition may involve only minor change in its wording. It also contributes to rhyme of a poem and emphasizing an idea through repetition. कभी कभार इसमें repetition होती है और that repetation emphasize करती है idea को. जैसे ये जो है ना एक four line of stanza, ये refrain है, ठीक है. इसमें एक अलग चीज़ के बारे में बात हो रही होगी और इससे जो अगला section होगा वो अलग चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा, तो दो डिफरेंट आइडियाज़ को बता रहा है, तो इसको हम रिफ्रेन कहेंगे. रिपीटेशंस. द रिपीटिंग ऑफ वर्ड फ्रेज विद इन द पोएम और प्रोज ऑफ द पोएम टू क्रिएट अ सेंस ऑफ रिदम. एग्जांपल इज लाफ, हिज डेयर, हिज शग. ओके, रिपीटेशन वही कि आपके पोइट्री में बहुत ज़्यादा रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हो रहे हो, लाइक टाइम आफ्टर टाइम. अब टाइम यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, हर्ट टू हर्ट, हैंड इन हैंड. तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स को हम रिपीटेशंस कहते हैं. सोनेट, अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइंस. जो भी पोएम 14 लाइंस को होगी की होगी उसको हम सोनेट कहेंगे. स्टेंजा, अ डिवीजन ऑफ पोइट्री नेम्ड फॉर नंबर ऑफ लाइंस इट. अच्छा, स्टेंजा हम कहते हैं जैसे ये एक पूरा स्टेंजा था, लाइक जैसे हम आम उसमें पैराग्राफ कहते हैं, पोइम में उसको हम स्टेंजा कहते हैं. ये स्टेंजा जो है वो 4-line स्टेंजा है. स्टेंजा के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, लाइक 1-2-line स्टेंजा जिसको हम कपलेट कहते हैं, 3-line को ट्राइप्लेट, 4 को कट्रेन, कॉइंटेट, सेसेट, सेप्टेट, ऑक्टेव. तो ऑक्टेव हम 8 lines को कहते हैं. तो ये याद कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं. पर्सोनिफिकेशन, अ वेरी इम्पोर्टेंट टर्म. पर्सोनिफिकेशन, अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द ऑथर स्पीक्स ऑफ और डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और आइडिया एज इट वर अ पर्सन. पर्सोनिफिकेशन उसे कहते हैं जिसमें ना एक ऑब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब करें एज अ ह्यूमन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, द रॉक स्टबर्नली रिफ्यूज टू मूव. अब पत्थर बहुत जिद, स्टबर्नली का मतलब होता है जिद करना,
के जिद्दी था कि वो मूव नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हम ऐसी मीनिंग देखें तो रॉक जो है वो पत्थर जो है एक इंसान नहीं है जो वो जिद करेगा, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम पर्सन की फीलिंग्स उसके साथ मिला देते हैं, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे यू आर लाइक अ मून, अब कोई चांद जैसा तो नहीं हो सकता, तो हमने क्या नाम है एक उसको डिस्क्राइब करने के लिए पर्सन का सहारा लिया, पर्सोनिफिकेशन उसको कहते हैं। सिमिली अ कंपेरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स इन विच अ वर्ड ऑफ कंपेरिजन एज इट यूज। ओके, सिमिली उसे कहते हैं जिसमें एक लाइन में दो कंपेरिजन वाली जो है चीज़ें हों, जैसे डे एंड लाइट, ब्राइट एंड डल, दो कंट्रास्ट की चीज़ें हों। सिमिली का एक जो बहुत वो है ना कि सिमिली कैसे पता चलेगा, सेंटेंस में या तो एज होता है या लाइक होते, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कंपेयर में या हम एज यूज़ करेंगे या लाइक यूज़ करेंगे। जिस भी सेंटेंस में कंपैरिजन की बात हो रही हो और उस सेंटेंस में एज हो या फिर लाइक हो, वो सिमिली होता है। जैसे हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन ऑन अ समर्स डे। अब उसकी स्माइल को हमने क्या किया है, कंपेयर किया है द सन सन की ब्राइटनेस से, ठीक है। तो इसमें एज था, ये देखें एज, कहीं कहीं लाइक होता है, तो जहाँ एज या लाइक होगा वहाँ कंपैरिजन की बात हो रही होगी, तो वहाँ हम सिमिली यूज़ करेंगे। समझ आ रहा है यहाँ तक? ये आप एक दफ़ा खुद भी पढ़ेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद कंपेरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग इन विच नो वर्ड ऑफ कंपेरिजन। मेटाफर भी कंपेरिजन को कहते हैं, बट इसमें डिफरेंट ये होता है कि ना इसमें एज होता है ना लाइक होता है। जिस सेंटेंस में कंपेरिजन की बात हो और उसमें एज और लाइक हो, वो सिमिली होगा, और जिसमें कंपेरिजन खाली की बात हो और एज और लाइक ना हो, वो मेटाफर होता है। लाइक टाइम इज़ अ थीफ, ठीक है। तो एक इधर बताया हुआ है कि इसमें एक तरह का कंपेयर नहीं किया हुआ है, एक तरह का बताया हुआ है कि टाइम इज़ अ थीफ, टाइम चोर है। इमेजिनरी द वर्ड अ फ्रेज अ राइटर सिलेक्ट टू क्रिएट अ सर्टेन पिक्चर इन राइडर्स माइंड, रीडर्स माइंड। अच्छा, इमेजिनरी हम उसे कहते हैं कि जो ऑथर है ना वो ऐसे वर्ड सिलेक्ट करता है जिससे जो पढ़ने वाला है ना उसके माइंड में वो पिक्चर खुद ब खुद आ रही होती है। इमेजिनरी इज़ यूजली बेस्ड ऑन सेंसरी डिटेल्ड, यूजली इट इज़ थॉट एंड इमेजिनरी मेकर्स ऑफ पर्टिकुलर वर्ड दैट क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज इन आर माइंड, ठीक है। वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है आपके माइंड में। द वर्ड इमेजिनरी इज एसोसिएट विथ मेंटल पिक्चर, हाउएवर दिस आइडिया इज बट पार्शली करेक्ट। इमेजिनरी टू बी रियलिस्टिक टर्न्स आउट टू बी मोर कॉम्प्लेक्स देन जस्ट अ रीड, जस्ट अ पिक्चर। ओके, इट वॉज डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट। अब जो ये डार्क और डिम है, ये एक तरह की पिक्चर हमें बता रहा है, एक तरह की हमें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हम विजुअल कर सकते हैं कि जंगल कैसा होगा। एक बहुत ही अंधेरा होगा और वहाँ पे डिम, सब कुछ अंधेरा अंधेरा, ब्लैक ब्लैक होगा। तो डार्क और डिम, द वर्ड डार्क एंड डिम आर विजुअल इमेज। तो ऐसे से वर्ड, द चिल्ड्रन वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द फील्ड। अब स्क्रीमिंग और शाउटिंग, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक इमेज क्रिएट हो रही होगी स्क्रीमिंग, चीखने की, चिल्लाने की। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग अपील टू आर सेंसेस ऑफ हियरिंग, ऑडिटरी सेंस। द गर्ल रैन हर हैंड ऑन अ सॉफ्ट स्टेन फैब्रिक। अब ये सॉफ्ट स्टेन फैब्रिक, आपको एक फीलिंग जनरेट हो जाएगी कि कोई बहुत ही नर्म मुलायम चीज़ की बात हो रही है। तो ऑथर ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करता है जिससे आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। सैम्पल, अ पर्सन अ प्लेस अ थिंग और एन इवेंट यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। कोई भी हम चीज़ यूज करें, किसी
दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए. लाइक अ डव इज अ सैम्पल ऑफ पीस. अब जो डव है वो सैम्पल है पीस का. फॉर एग्जाम्पल हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं. एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर. एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स. अब यहाँ इसने किसको सैम्पल किया है, वुमेन को और मैन को, कि वो प्लेयर्स हैं. तो उसने प्लेयर एक सैम्पल क्रिएट कर दिया है फॉर मैन एंड वुमेन. दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर इंटरेस्ट एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स. दीज लाइन आर सिम्बॉलिक ऑफ द फैक्ट दैट मैन एंड वुमेन इन द कोर्स ऑफ देयर लाइफ परफॉर्म डिफरेंट रोल्स. अ स्टेज हेयर सिम्बलाइज द वर्ल्ड. अब जहाँ इन्होंने कहा है ना स्टेज के बारे में बात की गई है. अच्छा, ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज. ऑल वर्ड इज अ स्टेज. यहाँ स्टेज तो सिम्बलाइज कर रहा है वर्ड को, कि दुनिया जो है एक स्टेज है. तो दुनिया वर्ड को उसने सिम्बलाइज कर दिया थ्रू स्टेज. एंड प्लेयर्स इज अ सैम्पल ऑफ ह्यूमन बींग. और प्लेयर कौन है, मैन एंड वुमेन. तो इस तरह जो है एक ह्यूमन को आप रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ और चीज़ यूज़ करते हैं. ऑक्सीमोरॉन. एंड ऑक्सीमोरॉन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस कॉन्ट्रैक्टिंग वर्ड्स विद ऑपोजिंग मीनिंग लाइक ओल्ड एंड न्यू, डिफीडिंग एंड साइलेंस, ऑर्गेनाइज एंड क्योस. अच्छा, ऑक्सीमोरॉन उसे कहते हैं जिसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज हों. ठीक है, जैसे ओल्ड एंड न्यू दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं. जो मेटाफर या सिमली था उसमें सेंस था, एक उसमें पूरा सेंटेंस था. वो पूरा सेंटेंस दो डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहा था. लेकिन ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, दो वर्ड्स होते हैं, ओल्ड एंड न्यू, डिफीट एंड साइलेंट लाइक साइलेंस खामोशी, और एक जगह लड़ाई हो रही हो, ऑर्गेनाइज एंड क्योस. तो ये दो डिफरेंट, दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ होते हैं, उसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं. यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है सब. आई नो इट्स कन्फ्यूजिंग, बट ये आ जाएगा समझ में जब आप खुद एक दफ़ा इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे, तो आ जाएगा समझ में. अभी तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है, वरना हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. क्या रिपीट करूँ मैं? Oxymoron. Oxymoron is a figure of speech that combines contradictory words with opposing meaning. Oxymoron उसे कहते हैं जिसमें दो words होंगे लेकिन opposite meaning होगी, like old और new. Old मतलब पुराना और new मतलब नया. तो दो different meanings हैं. Defeating और silence. एक जगह silence है और एक जगह बहुत शोर, जंग वगैरह. Organized और chaos. ऑर्गेनाइज मतलब हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज है, और क्योस मतलब हर चीज़ ये जो है वो बहुत बिखरी हुई है. तो उसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं. ठीक, ये है, इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा. ये सब कुछ नज़र आ रही है? अच्छा, ये पोएम है, इसका नाम है द पॉइजन ट्री. इस पोएम को पहले आप पढ़ें, फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे. आई थिंक हाँ सही.
जब पढ़ लें तो बता दीजिएगा, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। आई थिंक रीड कर लिया होगा। हम क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द थीम ऑफ पोइम? इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथफुलनेस, सरप्राइजिंग एंगर, सरप्राइजिंग फॉरगिवनेस, रैशनैलिटी एंड मॉडरेशन। तो आपको पोइम पढ़ने से क्या फीलिंग आ रही है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? यस गुड। इधर साफ साफ इसने लिखा हुआ है, आई वॉज एंगर विथ माई फ्रेंड, आई वॉज अंगर एंग्री विथ माई फो। तो ये एक एंग्री मूड है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। वॉट इज द रैमिक स्कीम यूज इन द पोएम? ए ए बी बी। लाइक इसमें ये पूछ रहा है कि जो हर स्टेंजा है इसका जो है वो फ्लो कैसे, मतलब वो कैसे राइम कर रहा है। इसके एंड वर्ड्स को आप देखिएगा कि वो कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए। लाइक मोस्टली क्या हो रहा है, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है ये ना मैच करें, लेकिन मोस्टली। इसमें पूछ रहा है कि, अच्छा मैं बता देती हूँ उसका आंसर। इसका आंसर है ए। गुड। अब यह देखिए, विथ माई फ्रेंड माई वर्थ डिड नॉट एंड, माई फो माई वर्थ। तो माई फ्रेंड और माई वर्थ जो है एक ए ए को बता रहे, लाइक ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है। मतलब ए जो इसकी जो रिदम है ना वो क्या फॉलो कर रही है, ए ए कर रही है, ए बी कर रही है, ए सी कर रही है। तो इस तरह, मतलब अब फर्स्ट टू लाइन सेम रिदम कर रही है, फिर लास्ट टू लाइन सेम रिदम कर रही है। इन फियर्स विथ माई टीयर्स, विथ स्माइल्स डिसाइडफुल वाइल्स। तो स्माइल्स वाइल्स फियर्स टीयर्स, ए ए बी बी। तो इस तरह ये ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? गुड। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन पोएम? अच्छा, अब इसके लिए आपको इन तीनों का पता होना चाहिए। इन तीनों में ये तीनों हैं क्या? पहले ऑप्शंस पढ़ लें, फिर मैं ऊपर कर दूंगी ताकि आपको पता चले कौन से।
गौर से देखिए इसमें क्या नहीं है। आंसर इज सी, हाइपरबोला। अब हम देखें ए से स्टार्ट करते हैं, रिपीटेशन से। इसमें बहुत जगह इसने रिपीटेशन की है, लाइक आई वॉज एंग्री, माई वर्थ, ठीक है, इधर भी माई वर्थ, तो रिपीटेशन है। नंबर बी था कॉन्ट्रास्ट, इसने कॉन्ट्रास्ट भी किया हुआ है, लाइक फ्रेंड एंड फो। फो का मतलब होता है दुश्मन, एनिमी। तो फ्रेंड एंड फो, नाइट एंड मॉर्निंग, तो इस तरह डे एंड नाइट, तो ये भी किया हुआ है। अब हाइपरबोला, हाइपरबोला हम किसे कहते थे? वो करना, एग्जिजरेट करके बताना किसी चीज़ को। अब पूरी पोएम में कहीं पे भी उसने कुछ भी एग्जिजरेट करके नहीं बताया हुआ कि इतना उसने बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ बताया हुआ, कहीं पे भी ये नहीं बताया गया, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर, हाइपरबोला। मैम वो हाइपरबोली में बढ़ा के बताया है ना, इसने कहा है मैम ये टीएस वाला जो लिखा हुआ है, नाइट एंड मॉर्निंग विथ माय टीएस एंड आई तो वाटर्ड उसने इन। कहा रात और वो रात और सुबह को मैं रो रहा होता हूँ, तो उसमें एक्सजरेट करके क्या बताया उसने? सुबह शाम मतलब पूरा दिन तो नहीं रो सकते ना। आप ऐसे टाइप करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या नाम है, वो तो हर कोई रो सकता है। वो अगर आपने एग्जाम्पल देखी हो, 10,000 साल कोई जी सकता है इतना? इतना नहीं जी सकता, ठीक है। हाइपरबोला, बहुत एग्जिजरेट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा बताना कि वो पॉसिबल ही ना हो। कोई सुबह शाम तो हर कोई रो सकता है, इसमें कोई भी इतनी एग्जिजरेट करने वाली इसमें बात नहीं थी, तो इसलिए हाइपरबोला नहीं होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन मेन थीम ऑफ पोइम? टीनेजर, फ्रेंड्स, एंगर, पेशेंस। या गुड, सी इज द करेक्ट आंसर, एंगर इज द मेन थीम। वो गुस्सा दिखा रहा है अपने दोस्त की तरफ भी और अपने दुश्मन की तरफ भी। विच लाइन इंडिकेट्स दैट द स्पीकर रेथ इंक्रीज्ड ओवर टाइम? रेथ मतलब होता है गुस्सा। वाई सी बी, आपको देखे ना, एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट। थीम क्या है? एंगर, एंगर की बात हो रही है, तो उधर साफ साफ लिखा हुआ है, एंड इन इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। स्पीकर्स का गुस्सा इंक्रीज्ड ओवर टाइम कौन सी लाइन में इंडिकेट किया गया है? तो वो है, एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट, बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट सी। ये तो है, आई वॉज एंग्री विथ माई फो, मैं एंग्री हूँ अपने दुश्मन से। ये कोई भी इंडिकेट नहीं कर रहा कि वो उसका गुस्सा इंक्रीज हो रहा है ओवर टाइम, बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर सिक्स, व्हाट डज एप्पल सिंबलाइज?
मैं पोइम दोबारा लगाऊं ताकि आपको पता चले। एक दफा पोइम देख लें फिर आपको ये। What does apple symbolize? Yes, correct. So apple symbolize the anger, speaker's anger. इस लाइन का जो मतलब है ना, इसने जो एप्पल यहाँ ये यूज किया हुआ है, टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, इसका मतलब है जैसे एप्पल ग्रो करता है ना, जैसे एक एप्पल उगता है, इसी तरह मेरा जो गुस्सा है ना वो उग रहा है। इसने एप्पल को सिंबलाइज कर दिया उसके एंगर से। सो बी आएगा, हाँ बी इज़ द करेक्ट आंसर। गुड, समझ में आया। इस तरह ना एक एक ऑप्शन को देख के ऊपर पोएम पे जाएं और उसकी पहली और जो लास्ट वाली लाइन है उसको पढ़ें ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो किस बारे में बात कर रहा है। समझ में आया। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलें, नेक्स्ट पोएम पे। इसको कैसे देखूं? अच्छा पहले ये इतनी पढ़ लें। इस पोएम का नाम है न्यूट्रल टोन। जब पढ़ लें तो बता दीजिएगा, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूंगी। मैम स्क्रॉल डाउन करें नीचे, टाइम भी बहुत कम है, 15 मिनट बचे बाकी। कैन यू प्लीज राइट इन द चैट? ओके, सो ये रिमेनिंग पार्ट है उसका। और इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिएगा।
डाटा मैम हो गया, एक्सरसाइज पे चल। आप प्लीज चैट पे लिख दें, दरअसल मेरे स्पीकर का थोड़ा इशू है तो वो इको करता है, तो समझ नहीं आता, तो इसलिए आप चैट पे टाइप कर दें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द नैरेटर्स एटीट्यूड टू द रिलेशनशिप इन द पोम। इट इज सो इजी। अच्छा ये बहुत आसान है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके सो द करेक्ट आंसर इज डी न्यूट्रल। अगर आप इसका टाइटल भी देखेंगे आपको पता चल जाएगा न्यूट्रल टोन। यहाँ पे ना वो खुश है ना वो एंग्री है, कुछ भी नहीं है, बस उसने एक बात कही हुई है। तो टाइटल से भी, अच्छा कभी कभार टाइटल भी बहुत कुछ बता देता है, तो टाइटल को भी पढ़ना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन द सन वॉज वाइट इम्प्लाइज दैट ए बी सी। ओके ओके गलत है, बी इज द करेक्ट आंसर। द कलर हैज गॉन फ्रॉम रिलेशनशिप। अच्छा मोस्टली ये होता है जब भी वाइट वर्ड यूज़ किया जाता है ना लिटरेचर में या पोम में, तो इसका मतलब होता है बेरंग। एंड द सन वॉज वाइट एज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, उसने ये कहा कि सन वॉज वाइट के हमारा जो रिलेशनशिप है ना उसका जो एक कलर है वो चला गया। तो जो वाइट है वो एक हैप्पीनेस की निशानी नहीं है यहाँ पे, वाइट जो है वो ये कि अब हमारा रिलेशनशिप बेरंग हो चुका है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना। नंबर सी चिडन मीन्स अपसेट सैड एंग्री टोल्ड ऑफ। अच्छा ये इसकी जो मीनिंग है वैसे डी टोल्ड ऑफ है। ठीक है, टोल्ड ऑफ की मीनिंग होता है लाइक बहुत चीखना, जोर से चीखना, और मतलब
एंग्री से जो ऊपर वाला जो पोजीशन या लेवल होता है ना उसको हम टोल्ड ऑफ कहते हैं, ये चिड़न कहते हैं। इसकी जो लिटरी मीनिंग है वो ये। नंबर फोर, द ग्राउंड इज यूज्ड एज अ मेटाफर फॉर द रिलेशनशिप इन विच कोटेशन। इट्स आल्सो सो इजी। Okay, so the correct answer is A. A few leaves lay on the starving sod. Sod का मतलब होता है ground. जो grass वाला ground होता है ना उसको sod कहते हैं. So A is the correct answer. Number fifth. What does tedious mean? Slow, dull, difficult, complexity, gentle, and climbing. ज़्यादा वो कैबरी के क्वेश्चन हैं बट हैं ओके। मैम उसका मतलब था डल। किसका इसका कहाँ है किसका? मैम ये टेडियस मींस डल स्लो और स्लो होती है ग्राउंड। ओह मैम वो 5 नंबर क्वेश्चन है ना, व्हाट डस टेडियस मींस, उसका मतलब है स्लो और डल आई थिंक। हां तो उसका मतलब आप बताएं ना क्या होता है। मैम सुनाई नहीं। गुड करेक्ट ए इज द करेक्ट आंसर। टेडियस मतलब होता है स्लो और डल। गुड गुड जॉब। सो यस ऐसे होता है। एंड हम कर लेते हैं लास्ट भी। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। जल्दी से पढ़ें फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते। Okay, so जिसने पढ़ लिया वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दे। द पोइम कैन बी समराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Yes, good, correct. Only those who have not achieved success understand its sweetness. Pehli do line bhi yehi bol raha hai. Success is counted as sweetness by those who never succeed. Good. Number second. The word comprehend in line 3 most likely means.
ओके सो द करेक्ट आंसर इज सी टू ट्रूली नो. कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है कि लाइक 100% नोन. वोकैबरी का तो यही होता है ना कि वोकैबरी में बहुत मोस्ट जो होते हैं ना कि लगे कि यही होगा, ऐसे ही वोकैबरी में यूज़ होते हैं. और जो पोइम होता है ना उसमें तो और ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट होता है, तो दुआ करें वोकैबरी वाला ना आए. वोकैबरी का कुछ नहीं कर सकता कोई भी इंसान, बस जितनी आपकी ज़्यादा होगी उतनी वोकैबरी आपके लिए अच्छी रहेगी. कभी कभार ये होता है कि आपको सेंटेंस से पता चल जाता है, लेकिन कभी कभार आपको नहीं भी पता चलता. सो होप फॉर द बेस्ट. नंबर थर्ड, द एलिटरेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा सर्व टू. मैम पॉइंट की तरफ जाना पड़ेगा। आप प्लीज चैट पे राइट कर देना. मैंने कितनी अच्छा, मैंने जो है NTHB में भी 1000 थी आई गेस, और उस पे भी 1000 ही याद की थी. इतनी याद वैसे होती भी नहीं है, और लास्ट डे पे तो आप सब कुछ वैसे भी भूल जाते हो, तो 1000 ही थी. आप इतना कितना ही याद कर सकते हो आप. मैं एक आपको पर्सनल मशवरा दूंगी कि अगर आपसे नहीं होती ना कैबरी, ऑब्वियसली याद करें जितना कोशिश होता है, और मुझे पता है एट द एंड याद नहीं रहती, तो अपने सारे, जी मैं बता रही हूँ अभी कोई इसके बारे में बताती हूँ, अपनी जो दूसरे जो टॉपिक्स है ना उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें. कि अगर आपका चलो वोकैबरी कितनी ही आएगी, इतनी ऑब्वियसली आती है, लेकिन जो आपके जो दूसरे जो सब्जेक्ट हैं या फिर मैथ जो है या फिर इंग्लिश के दूसरे जो सब्जेक्ट हैं टॉपिक्स हैं उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि बैलेंस हो जाए, ठीक है. और अपना कोई भी सब्जेक्ट मैथ या इंग्लिश में से कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखें, कि अगर इंग्लिश में थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो मैथ संभाल लेगा, या अगर मैथ में थोड़ी गड़बड़ होगी तो इंग्लिश संभाल लेगा. तो इतना थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना रखें किसी ना किसी पे. और IBA का ये सीन होता है, NTHB का नहीं पता क्योंकि NTHB जो है नहीं बताती कि कौन से मार्क्स पे आप पास हो रहे हो. बस वो ये बता देती है आप पास हो या फेल हो या पास हो, मार्क्स नहीं बताते वो. लेकिन जो IBA का एंट्री टेस्ट होता है उसका एक स्टैंडर्ड इंग्लिश के मार्क्स होते हैं और एक स्टैंडर्ड मैथ के मार्क्स होते हैं. यस आई नो आई नो, मेरे साथ भी यही हुआ है, यही होता है. पता नहीं क्यों IBA इतना एडवांस करता है, बट बहरहाल ठीक है. तो इंग्लिश और मैथ के जब तक वो एक स्टैंडर्ड आपके मार्क्स नहीं आएंगे ना, आप पास नहीं हो पाओगे. पास होना और मेरिट पे जाना बहुत अलग बात है, ठीक है, वो एक अलग कहानी है, वो बहुत डिफिकल्ट होती है, ठीक है. बट अभी के लिए ये कि NTHB की तैयारी करो. और ओ, एक मिनट रहता है, ओके फाइन. बस कल को क्लास है, वो क्विज़ है, कल को क्लास नहीं होगी. और क्विज़ वैसे ही होगा जैसे मैंने पहले भी लिया है, कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा होंगी, मतलब रीडिंग पैराग्राफ ज़्यादा होंगे, क्लोज पैसेजेस होंगे, उसी में वर्ब वगैरह सब कुछ आएंगे, ठीक है. हाँ या मैं ग्रुप में बता दूँगी. थैंक यू सो मच. ओके अल्लाह हाफिज़.